राज्य में JN1 वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। इसमें अकोला में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 का पहला मरीज मिला है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मरीज शहर का है और फिलहाल उसकी हालत ठीक है। अकोला शहर का मरीज बाहर जाना चाहता था, इसके लिए उसने लग्जरी लोगों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मरीज शहर का रहने वाला है और 5 दिसंबर को मरीज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और फिर मरीज के सैंपल पुणे के सयांदी अस्पताल भेजे गए। रिपोर्ट मिली है कि मरीज में JN1 वेरिएंट वायरस पाया गया है, लेकिन मरीज का समय पर इलाज होने के कारण मरीज की हालत ठीक है और उसके परिवार में कोई भी पॉजिटिव नहीं होने के कारण जिले या शहर में फिलहाल JN1 वेरिएंट का कोई मरीज नहीं है, ऐसा नगर निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनूप चौधरी ने बताया। नमस्कार, मी डॉक्टर अनूप चौधरी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, अकोला महानगरपालिका। अकोला महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दिनांक 5 डिसेंबर रोजी एक नागरिक बाहेर दौऱ्यावर जाणार होते, त्याकरिता त्यांना ट्रॅव्हल एजंटने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचं कोविडचं सॅम्पल दिलं। त्यावेळी सदर रुग्ण जो आहे, ॲक्च्युली त्यावेळेस सिम्प्टमॅटिकच होता, परंतु त्यावेळी त्यांनी जे दिलेलं सॅम्पल होतं ते कोविडसाठी पॉझिटिव्ह आलं। कोविड पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आम्हाला नियमानुसार हेडगेवार हॉस्पिटल, जिथून सॅम्पल गेलं होतं, त्यांनी आम्हाला इन्फॉर्म केलं। त्यानुसार आमच्या आरोग्याच्या ज्या टीम्स आहेत त्यांनी त्या घराला व्हिजिट दिली। तेथील सर्व घरातल्या बाकीचे जे परिचित आहेत त्यांचा पण सर्वांचा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केलं। त्यामध्ये सर्वच जण असिम्प्टमॅटिक असल्याचे आम्हाला आढळून आले। त्यांना आपण कोविडच्या नियमानुसार क्वारंटाईन होण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या, त्याचे त्यांनी पूर्णतः पालनही केले। सध्या स्थितीत त्या कुटुंबातील सर्वजण निगेटिव्ह आहेत आणि दिनांक 23 डिसेंबर रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय अकोला येथे जे सॅम्पल होतं त्या सॅम्पलचा जिनोमिक सिक्वेन्सचा रिपोर्ट प्राप्त झाला। त्याच्यामध्ये तो रुग्ण JN1 करता पॉझिटिव्ह असल्याचे सांगण्यात आले। सध्या स्थितीतही आमच्या आरोग्याच्या टीमनी त्यांना पुन्हा 2 दिवसाआधी पण भेट दिली होती त्या फॅमिलीला, तर तिथे सध्याच्या स्थितीत त्यांच्या घरात कुणीही सिम्प्टोमॅटिक नाही आहे आणि ते पूर्णतः स्वस्थ आहेत। धन्यवाद। NBCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।